Today we are discussing about the bibliography. In our previous lecture, we have discussed about the citation. So citation is what? छोटे छोटे जो paragraphs रहते हैं उनके बाद में हम जब उनका उद्धरण देते हैं gratitude के रूप में, वो citations होते हैं. और end note जो होते हैं सबसे last में, sources का पूरा जो स्रोत हम use करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उनका पूरा एक लिस्टिंग करते हैं बाद में सबसे आखिरी में, तो इसीलिए उसको एंड नोट भी कहा जाता है. सो इट इज कॉल्ड द बिब्लियोग्राफी. अ बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ द सोर्सेज यू यूज टू गेट द इन्फॉर्मेशन फॉर आर रिपोर्ट. सो इट इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ योर आर रिपोर्ट ऑन द लास्ट पेज और द लास्ट फ्यू पेजेस. चैप्टर के बाद में भी हम बिब्लियोग्राफी बनाते हैं और सबसे लास्ट जब हमारा रिसर्च वर्क खत्म हो जाता है तब भी हम उसको, इसीलिए एंड नोट भी कहते हैं. फॉर द एग्जाम्पल जनरल गाइड, कोई बुक है सपोज टू बी, अब बुक का हम कैसे रेफरेंस लेंगे और कैसे हम बिब्लियोग्राफी बनाएंगे. जैसे फर्स्ट हम क्या कहते हैं, लास्ट नाम नेम जो है वो पहले लेते हैं और जो पहला वाला नाम रहता है वो थोड़ा सा बाद में लिखते हैं. जैसे टाइटल ऑफ द बुक, फिर उसके बाद में कॉमा लगा के टाइटल ऑफ बुक, देन कॉमा सिटी, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन. इसमें मैंने अपनी एक बुक का रेफरेंस दिया है, उसको इस ढंग से लिखा जाता है. जैसे नाम मेरा अंजना सिंह है, लेकिन इसमें जो लास्ट नेम है सिंह, अंजना पहले लिखा, कॉमा, माय नेम ऑफ द बुक इज अर्बनाइजेशन उज्जैन, राइट. अब प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन और द नेम ऑफ द पब्लिकेशन फर्स्ट, तो जहां पर प्रकाशित हुई है जिस उस प्रकाशन का नाम शारदा पब्लिकेशन. अब शारदा पब्लिकेशन कहां पर है, न्यू दिल्ली, तो नेम ऑफ द पब्लिकेशन एंड द प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन एंड ईयर ऑफ द पब्लिकेशन 2004, राइट. ये बुक का हो गया रेफरेंस. इनसाइक्लोपीडिया का हमें कोई सोर्स लेना है, सो एडिशन डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इनसाइक्लोपीडिया टाइटल, उसका क्या टाइटल है वो लिखेंगे. उसके बाद में कॉमा लगा के एडिशन डेट, उसका एडिशन डेट कब हुआ है, वॉल्यूम नंबर एंड आर्टिकल टाइटल एंड पेज नंबर्स. जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कॉमा, एडिशन डेट 1997 में हुआ, इसका वॉल्यूम नंबर, तो वॉल्यूम नंबर 7 है. अब आर्टिकल टाइटल, मान लो कि गोरिल्लाज के ऊपर है तो आर्टिकल टाइटल, अब पेज नंबर, तो पेज नंबर 50-51, राइट. अब फॉर ए मैगजीन, मैगजीन में से हमें कोई सोर्स लेना है तो सबसे पहले वही ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर, तो लास्ट नेम सबसे पहले लेंगे, फिर आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे, जैसे नेम ऑफ द, फिर उसके बाद में कॉमा लगा के नेम ऑफ द मैगजीन एंड कॉमा लगा के वॉल्यूम नंबर और फिर डेट, फिर पेज नंबर. फॉर द एग्जांपल जैसे जॉर्डन जेनिफर, आप मुझे अपने ग्रुप जो बना हुआ है पीएचडी रिसर्च वाला, तो एक ऐसा बना करके बता सकते हैं एक होमवर्क के बतौर, ये कैसे लिखना है. और अपनी अपने, जैसे यहाँ पर मैंने अक्सर जो है इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया, इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश इसके नाम लिए, तो आप इसको अपने रिसर्च से संबंधित जो आपके पास सोर्सेस अवेलेबल हों, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर सोर्स मटेरियल. फॉर डूइंग सो इसमें आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना. तो साइंस मैगजीन वॉल्यूम नंबर 47 नंबर 1 एंड विंटर 1998 पब्लिकेशन एंड पेज नंबर 11. फॉर ए न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर के लिए जैसे ऑथर, लास्ट नेम फर्स्ट, आर्टिकल टाइटल, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, सिटी स्टेट ऑफ द पेपर, पब्लिकेशन एंड डेट, एडिशन इफ अवेलेबल, सेक्शन, पेज नंबर एंड एग्जांपल. जैसे न्यूज़पेपर के लिए पावर एन, राइट. अब आर्टिकल का टाइटल क्या है, ट्यून फॉर द मटेरियल गर्ल, राइट. अब नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, द न्यूयॉर्क टाइम्स, सिटी स्टेट, न्यूयॉर्क, स्टेट ऑफ द पब्लिकेशन 3/1/98, राइट. एंड डेट इफ अवेलेबल, एडिशन इफ अवेलेबल, तो यहां पर अटलांटिक रीजन एंड सेक्शन नंबर 2 एंड पेज नंबर इज पेज 34. ये इसका तरीका होता है. अब आपको मान लो फॉर ए पर्सन इंटरव्यू का रेफरेंस देना है, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, आपको मैंने ये बताया था ना, जैसे प्रश्नावली जो होती है, जैसे दो चीज होती है, प्राइमरी
सोर्सेस के अंदर एक प्रश्नावली होती है और एक दूसरी अनुसूची होती है. अनुसूची अपने को पढ़ना बाकी है, राइट. तो प्रश्नावली जो है ज्यादा ऑथेंटिक होती है और ये प्राइमरी सोर्स होता है, प्राथमिक स्रोत होता है, रिसर्च मटेरियल होता है प्राइमरी, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. और प्रश्नावली हम रिसर्च मटेरियल या डाटा कलेक्शन में इसलिए ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि जैसे कोई बहुत ज्यादा दूर वाले स्थल है जहां हम सर्वेक्षण बार बार करने नहीं जा सकते, तो वहां प्रश्नावली बनाते हैं. तो प्रश्नावली के लिए क्या हम क्वेश्चन आयर तैयार कर लेते हैं, है ना. तो और मान लो कि इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो आपके क्वेश्चन आयर को पूरा नहीं लिख सकता. मान लो गांव के तबका है, वहां पर कोई बहुत जनजाति कोई एरिया है और आप वहां के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है. तो आप अपने मोबाइल पे आजकल उसको जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो उसके लिए आप कैसे रेफरेंस देंगे, हाउ टू राइट द बिब्लियोग्राफी फॉर द इंटरव्यू. सो यू शुड राइट हियर द फुल नेम, हमेशा की तरह लास्ट नेम फर्स्ट, एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन कि वो क्या करता है बंदा, क्या कर रहा है वो, उसका ऑक्यूपेशन. फिर कॉमा लगा के डेट ऑफ इंटरव्यू, आपको उस दिन की जो है तारीख लिख देनी है. आप कोई पिक्चर फिल्म है और फिल्म से आपको कोई सोर्स लेना है तो उसके लिए आप पहले टाइटल लिखेंगे, फिर डायरेक्टर का नाम लिखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर एंड ईयर. जैसे यहां पर कोई एक इंग्लिश मैंने उदाहरण दिया है. सो मैगजीन आर्टिकल, आप हो सकता है आपको कोई आर्टिकल ऐसा छपा हो जो मैगजीन में छपा है और उस वो आपके रिसर्च से जो है मेल खा रहा है, मिल रहा है, और वो आपको आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप उसमें से कैसे लिखेंगे, ऑथर लास्ट नेम फर्स्ट एंड टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जैसे नेम ऑफ द, फिर कॉमा लगा के नेम ऑफ द मैगजीन, उसका जो भी मीडियम हो, गुजराती में आती हो, मराठी में आती हो, इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें आपको उसका मीडियम लिखना है. फिर नाउ यू विल पुट द वॉल्यूम नंबर एंड डेट, पेज नंबर इफ अवेलेबल, एंड पब्लिशर ऑफ द मीडियम, वर्जन, डेट ऑफ इशू. जैसे रॉलिंस, फ्रेड, स्नोबोर्ड, मैडनेस, स्पोर्ट्स, स्टफ, ये मैंने इंग्लिश के इसलिए दिए हैं ताकि आप अपना होमवर्क कर सकें. यदि मैं सीधे से ही कोई अपने यहाँ के पब्लिकेशन का नाम या जर्नल का कोई नाम लिखा देती तो आप अपनी तरफ से कोई मेहनत या एफर्ट नहीं लगाएंगे. अपने अपने जो रिसर्च मटेरियल, आपको जो टॉपिक दिया गया है या जो आपने लिया है, तो इस हिसाब से ये एग्जाम्पल सब हटाना जो ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में कि मैगजीन्स के जान करके ये लगाए हैं, ताकि आप अपने सोर्स मटेरियल से करके यहाँ पर सब अपना लिखेंगे और फिर मुझे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेज करके बताएंगे कि ये किस प्रकार से ये आपने जो है लिया है और ये कैसे आपको जो है लिखना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोई डिफिकल्टीज आएगी तो वहीं उसको अपन सॉल्व करेंगे. तो ये अभी तक इतना है और इसके बाद में फिर आगे और भी अपन देखेंगे. थैंक यू.